हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। एक नए व्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो गांव के धारे से हो रही है। दरअसल हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है, नल में कुछ प्रॉब्लम हो गई या तो पानी कहीं ब्लॉक हो चुका है, तो इसीलिए जो है गांव में धारे होने भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे तो मैं अपने गाँव के धारे पर आया हूँ मुँह हाथ धोने के लिए और बढ़िया सी धूप लग चुकी है। सबसे पहले यहाँ पर मुँह हाथ धोते हैं, फिर चलते हैं नाश्ता करने के लिए। जैसे गांव में धारे होते हैं, किसी के गांव से थोड़ा दूर होते हैं, किसी के गांव से थोड़ा पास होते हैं, तो हमारा थोड़ा सा दूर है, यानी गांव से नीचे है। तो मुंह हाथ धुल के सबसे पहले घर चलते हैं। तो यहां पे काम लगा हुआ है नए रास्ते का। ये जो रास्ता बन रहा है ये गांव के लिए बन रहा है, क्योंकि जो हमारी रोड है ना वो ये वाली है। ये हमारी रोड है और यहाँ से मेन दिक्कत है यहाँ नीचे गांव में जाने की। सबसे बड़ी बात पता क्या है, यहाँ पे रास्ता नहीं है उतना परफेक्ट, तो खेतों से होके जाना पड़ता है। अब जब रास्ता बन जाएगा तो तब बढ़िया हो जाएगा। और ये अपनी अल्टो, अरे वाह, यहाँ पे नई स्कूटी दिखती है। ये किसकी स्कूटी है भाई, यहाँ लेके आ गए? मेरे ख्याल से अब गुरुजी लोग भी, जो हमारे गांव में स्कूल है ना, वो गुरुजी लोग भी, उनको भी ये वाली रोड पता चल गई और वो सीधे स्कूटी लेके यहाँ आ रहे हैं ताकि रोड में स्कूटी ना रहे, कोई दिक्कत ना हो। और आज एक बार फिर से मैं जा रहा हूँ मार्केट। मार्केट के काम ही नहीं निपटते मेरे, हर रोज़ एक नया काम निकल आता है, तो इसी वजह से जो है रोज़ मार्केट जाना पड़ रहा है मुझे। और मेरे साथ मम्मी है एक बार फिर से। अभी हम जा रहे हैं अपने लोकल मार्केट चंद्रापुरी। तो मैं और माँ आए थे बैंक में कुछ काम के लिए और यहाँ पे आते ही पता चला आज छुट्टी है। बड़ा बढ़िया रिएक्शन था चंद्रापुरी मार्केट में आके, SBI चंद्रापुरी, और बैंक का शटर बंद है तो क्या ही होगा। और ये है हमारा छोटा सा मार्केट चंद्रापुरी। पता नहीं मम्मी किस किस को फ़ोन कर रही है। तो अभी हम लोग आए हैं अगस्तवनी में और ये जो जगह है ये मंदाकिनी का घाट है और ये अगस्तवनी मार्केट से थोड़ा सा नीचे है और हम लोग घूमते फिरते यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं घूमने के लिए आते हैं और कुछ फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए आते हैं। दरअसल हमने भी सोचा कि चलो आज हम बहुत दिनों बाद अगस्तवनी आए हैं, आंसू और हम साथ आए हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ा घूम के चलते हैं और आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। देखो, अगस्तवनी केवल इसीलिए फेमस नहीं है, कपल्स के लिए भी फेमस है। सामने पे दो कपल बैठे हुए हैं, लोग यहाँ पे अपना घूम रहे हैं और वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर इनके घर वाले ये वीडियो देख रहे हैं ना, जल्दी से जल्दी इनकी शादी कराए यार, डोंट डिस्टर्ब देम, उनको डिस्टर्ब ना करें। आपको एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ, इसके पास इतना पैसा है, ये पैसा निकाले भाई, कितना पैसा है तेरे खाते में? तुम्हारे खाते में पैसे खत्म हो गए। हाँ, इधर से देखोगे ब्लैंक, इधर से फिर सही है भाई, बहुत पैसा है इसके पास। मैं भी थोड़ी देर पहले गया यहाँ से, मैंने कहा ये तो सब ब्लैंक ब्लैंक हो गया। वाह, देख रहे हो ब्लॉगर के पास कितना पैसा होता है। तो चलते चलते अभी हम लोग रुके हैं कंडारा के पास। यहाँ का भी एक अलग ही मजा है, प्यारे से व्यू है, चारों तरफ प्यारे खेत हैं जो रोड के बिल्कुल पास है। मैं बहुत सारी वीडियो में बोलता हूँ मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। तो आसो का घर यहाँ से कितना किलोमीटर है? 25 किलोमीटर दूर है। मेरा घर यहाँ से चार या पाँच किलोमीटर समथिंग ऐसा ही है। तो नहीं गई हिमगिरी, और हिमगिरी आएगी तो साइड नहीं देगी हिमगिरी का, एक अपना ही एक कहर है हिमगिरी का। और पीछे सनसेट हो रहा है जो बड़ा प्यारा लग रहा है। तो चलिए हम लोग जल्दी से निकलते हैं क्योंकि हिमगिरी आ गई, रोड जो है बहुत नैरो है, तो हिमगिरी को साइड देने के लिए भी नहीं होता है, इसीलिए हम लोग हिमगिरी से पहले निकलेंगे। आज जो है आंसू और मैं कंसिली से अलग हो रहे हैं क्योंकि मुझे लानी थी केला पकाने की दवाई, वो तो कहीं मिली नहीं, तो मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे भी नहीं मिली, कोटखाल में भी नहीं मिली, अब समझ नहीं आ रहा कहाँ से लाऊं। मिली इसलिए नहीं क्योंकि दुकान तो खुली थी पर ये लाया नहीं, ये भूल गया वहाँ से लाना। तो अब मेन मुद्दा ये है कि जाबरी जाता हूँ, जाबरी पे शायद मे भी मिल सकती है, जाबरी पे मिलेगी तो बढ़िया बात है, वरना घर जाके आज दांत सुननी पड़ेगी। वहाँ से लग रहा भाई,
ठीक है फिर है, आंसू ने जाना है यहाँ से ऊपर वाली रोड पे और मुझे जाना है नीचे वाली रोड पे। तो मैंने बाइक का काम किया तो यहाँ पे लिखा है चन्नागर भणज के लिए ऊपर और जाबरी के लिए नीचे वाली रोड, तो मुझे उसी नीचे वाली रोड पे जाना है। तो सुबह सुबह का टाइम और सब लोग अपने काम धाम पे निकल चुके हैं। आए ले ले ले, तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने खेतों में हल लगाने के लिए। दरअसल मेरे जो हल के काम हैं वो ही कंप्लीट नहीं हो पा रहे, दो खेत अभी बचे हुए हैं, वो थोड़ा घर से सामने हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारे खेत है ना, यहाँ पे पापा हल लगा रहे, अगर आपको और जूम करके दिखाऊँ ये देखो, और मुझे यहीं पे जाना है और मैं अभी अपने गांव में हूँ। तो यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ पे दो खेतों में हल लगानी है बस, और पापा वहाँ जो हल लगा रहे हैं वो बैल से लगा रहे हैं। आज मॉर्निंग में जो है मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक्टर से हल लगा रहा था, लेकिन वो जो खेत हैं वैसे दूर वाले खेत हैं और उनमें बहुत ज़्यादा पत्थर हैं, जिसकी वजह से उनमें जो हल लगानी पड़ेगी ना वो हमें बैलों से लगानी पड़ेगी। तो वहीं जा रहा हूँ और पापा वहाँ पे ऑलरेडी हल लगाने पहुँच चुके हैं मुझसे पहले। तो ये वाले जो खेत हैं ये शमार वाले खेत हैं, जितने भी खेतों को देखोगे सब के कोने से पानी निकलता है और इन वाले खेतों में गेहूं उग चुके हैं। तो इनमें बुआई, गेहूं की बुआई जो है ना वो काफ़ी पहले हो गई थी और गेहूं बो के काफ़ी टाइम हो चुका है, जिसकी वजह से इनमें जो है बहुत जल्दी गेहूं उग के आ चुके हैं। और मुझे जाना है ऊपर वाले खेतों में, यहाँ ऊपर ये देखो लोग अपने अपने खेतों में काम करने आ चुके हैं, घास के लिए आ चुके हैं, मैं अब आ रहा हूँ खेत में हल लगाने के लिए। ये खेत हमारे सबसे खतरनाक शमार वाले खेत हैं, इनमें यहाँ पे पानी निकलता है और इतना ज़्यादा पानी निकलता है, ये पानी यूज़ में होता है पीने का पानी, ये जो है प्रॉपर यहीं से ज़मीन से निकलता है और नीचे तक जाता है, वहाँ पे धारे बनाए हुए हैं। ये देखो कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है यहाँ पे, ये पूरा पानी के लिए यूज़ होता है, ये पानी रुपाई के लिए यूज़ होता है, ये पानी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ये वाला खेत देखो कितना भयंकर शमार है, पूरा पानी पानी कटा हो रखा है, अगर थोड़ा भी मिट्टी वाली साइड गए आपके पूरे पैर धस जाएंगे, इसीलिए बिल्कुल संभल के चलो। तो बहुत टाइम बाद हम लोग जो हैं वो बैलों से हल लगा रहे हैं और बैलों को जो बोलने की वो होती है अलग अलग कमांड्स होती है, जैसे उबो उंदो, ऊपर जाने के लिए उबो बोलो, अगर नीचे वाली साइड जाना है तो उंदो बोलो और आगे बढ़ाना है तो हई बोलो। और अभी पापा लगा रहे दो चार जो है हल की श्यू, मैंने लगाई है श्यू जो बोलते हैं, एक लाइन में जो हल लगती है उसको श्यू बोलते हैं। तो ये वाली साइड पापा ने लगा दी है, तो खेत का ये वाला कोना जो है वो पापा ने लगा दिया है और अभी ये वाला कोना बचता है, फिर ये ऊपर वाला खेत बचता है और मम्मी यहाँ पे जो नीचे वाली साइड ऊपर वाली साइड थोड़ा बहुत बचा होगा ना उसको कुदाल से खोद करके समतल बना दे रही है। और लोग अपने अपने खेतों में काम करने के लिए आ रखे हैं, जो एक्स्ट्रा घास होगी ना उसको जला रहे हैं। ये देखो यहाँ पे आग लगा दी, यहाँ पे आग लगा दी, सारी खेतों में पूरी आग लगा रखी है। और ये लगा रहे पापा हल, तो अब जाके हल्की धूप लगी है और यहाँ पे देखो सब लोग अपने अपने बैल लेके खेतों में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भाई के बैल हैं और उसके पीछे देखो ये छोटे बच्चे ने क्या कर दिया, खंबे का जो बॉक्स है ना जिसके अंदर मीटर होता है वो निकाल दिया। बचपन में हम भी बिल्कुल ऐसे ही थे।
हल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब बारी है जौ लगाने की। जो हल लगाने से मिट्टी इधर उधर हुई है, अब उस पूरे खेत को समतल करने की बारी है। और अभी मदद करने के लिए ये आया। ओए बैठ जा, जो हमें बैठ जल जा। देखो हम भी छोटे में ऐसे किया करते थे, बैल के पीछे से जाते थे और ऐसे बैठ जाते थे। कई बार हमें ऐसे करने पे मार भी पड़ती थी। तो हल लगा के पहुंच गए, बैल यहाँ पे बांध दिए, इनको थोड़ा सा घास दे दिए। बाकी जिनके बैल थे जगह पे बांधे, यहाँ पे पानी नहीं है, पानी के लिए उनको बोल दूंगा, पानी वो पिला देंगे। बाकी मैंने इनके पास घास तो डाल दिया, थोड़ी देर ये घास खा लेंगे। इतनी सारी हल लगा के आए हैं, भूख लग गई होगी। और अब चलता हूँ मैं घर। तो हल लगाने के बाद जो है बहुत खतरनाक भूख लग जाती है। और अभी मैं अपने किचन में आया हूँ रोटी खाने के लिए। आज जो है मीठे करेले की सब्जी बनाई है, उसके साथ रोटी है और चाय है। सबसे पहले नाश्ता करते हैं।